पंजाब में हाई अलर्ट के बाद भी हो गया ब्लास्ट। अमृतसर के संत निरंकारी भवन में हुआ धमाका, 3 की मौत। के थे भाई, फोन पीछे रखो यार, नहीं रही क्या। एक जना आते तो क्यों नहीं, उन्होंने सर के कोई नारा भी लाया, उन्होंने कोई नारा भी लाया। कितने बंदे जख्मी हुए ने सरपाल जी, कितने बंदे सर, कितने बंदे जख्मी हुए ने? करीब 8-10 आदमी जख्मी हुए हैं फिलहाल। सर होया कि सरपाल जी प्लीज, तो ऐसी पुलिस। आतंकी जाकिर मूसा और उसके साथियों के किसी बड़े वारदात को संभावना को देखते हुए हाई अलर्ट पर अमृतसर के एक गांव में धमाका हुआ है। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अभी इस मामले के पीछे कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब में आतंकी हमले की घटना को अलर्ट कर दिया था, जिस पर राज्य हाई अलर्ट पर था। चश्मदीदों के अनुसार बाइक सवार 2 लड़कों ने अमृतसर के राजा झांसी गांव में निरंकारी भवन पर बम फेंका। इस धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारियों के अनुसार कश्मीर में ऑपरेट करने वाला आतंकी जाकिर मूसा फिरोजपुर आया था। खुफिया ब्यूरो के पास यह इनपुट भी था कि जाकिर मूसा ग्रुप के 7 आतंकी फिरोजपुर आए थे। इन आतंकियों को अमृतसर में भी देखा गया था, जिसके बाद गुरदासपुर, पठानकोट और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया। गुरदासपुर में मूसा और उसके साथी आतंकवादियों के पोस्टर दीवारों पर चिपका दिए गए थे। आम लोगों से कहा गया था कि जैसे इन आतंकियों के बारे में कुछ भी खबर मिले तो पुलिस को बताएं, लेकिन इसके बाद ही अमृतसर में बम धमाका हो गया। अच्छा जी, पता नहीं लगा कोई आए का।